कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या का मामले को लेकर NSUI ने किया विरोध प्रदर्शन। मोरारका कॉलेज से निकाला विरोध मार्च। मोरारका कॉलेज के पास सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। जिलाधिकारी राहुल जाखड़ के नेतृत्व में दी गई गिरफ्तारियां। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या करने का मामला लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। आज झुंझुनू में छात्र संगठन NSUI ने हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने, देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ की अगुवाई में राजकीय मोरारका महाविद्यालय से छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। कोलकाता की घटना के विरोध में NSUI की ओर से सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान NSUI जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ समेत बड़ी संख्या में छात्रों ने गिरफ्तारियां दी। NSUI जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ ने बताया कि कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा महिलाओं के साथ लगातार देश में हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया है पूरे देश भर में। आज हम जब से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में हमारा देश महिला उत्पीड़न के मामले में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पक्का कोई उदाहरण माना जाए तो हम नरेंद्र मोदी को मान सकते हैं। जिस प्रकार राम रहीम जी को हरियाणा विधानसभा इलेक्शन देखते हुए 20 साल की सजा हुई थी, उनमें 283 दिन उन्होंने जेल से बाहर बिताए हैं। और हाल ही में देखे विनेश फोगाट वाला मामला था, ऐसी गद्दारी शर्म आनी चाहिए हमारे देश को कि हमारा देश जब इंडिया ओलंपिक से बाहर हुआ है तो हमारे देश की आम जनता पटाखे फोड़ रही है। इस दुष्कर्म के अंदर लोग जिम्मेदार नहीं होते हुए हमारे एक भारतीय जनता पार्टी को जवाबदारी दे सकते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण जैसे नेता को ये उनका पक्ष लेने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता के लिए रैलियां निकाल निकाल कर उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपने क्या किया है? आज हमने कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ हत्याकांड, जो बलात्कार दुष्कर्म हुआ है, उसके खिलाफ में हमने रोड जाम करके प्रदर्शन किया है। हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन है, आगे बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। जल्द से जल्द हमारी मांग है कि उन दोषियों को पकड़ा जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। और आपसे अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो हमारी बहनों को आप बंदूक लगा के दे दो, अपनी सजा को खुद पूरी कर देंगे। गिरफ्तारियां दी अभी NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार किया गया।